हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं हूं चार्ली, आप देख रहे हो द चार्ली ब्लॉग। सो गाइस, ये वाला ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, एंड लेट गो स्टार्ट, डोंट फॉरगेट दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी आप वीडियो को अंत तक देखना एंड डोंट स्किप करके आप देखते ना प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी तो खैर मैं जो भी सीन रहेगा सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस, जो भी सीन होगा वो कंप्लीट पूरा वीडियो के अंदर दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो आप अंत तक देखना। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूं मैं सामर जेल के अंदर। बाकी का आप व्यू देख ही सकते हो, बाकी जो सीन रहेगा वो दरअसल आपको मैं आगे नेक्स्ट दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। तो सीन तो काफी अच्छा है, और यहाँ का जो व्यू पॉइंट जो वीज़र है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सीन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, एंड यहाँ पे फोटो शूट करने की काफ़ी अच्छी लोकेशन है। बाकी तो आप, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो एक बार, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मज़ा आ रहा है यार। एंड ये एरिया है यहाँ का पर्टिकुलर सर्कल। ओ समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो गाइस, देख रहे हो आप सीन, मेरे को ऐसा लग रहा था कि गोवा के अंदर आ गया, और सीन काफी ज्यादा अच्छा यार, मजा आ रहा है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आप अभी फोटो शूट करने वाले हैं और यहाँ का नजरिया दिखाएंगे आपको एक बार। मतलब कि यहाँ की एक चीज़ सबसे अच्छी मुझे ये लगी कि यहाँ पे एक नेचुरल हवा चल रही है, और जो कि गांव या शहरों के अंदर नहीं होता। शायद जहाँ पे मैं घर पे था अभी फिलहाल, जहाँ से हमने कॉम्बैक किया था, तो वहाँ पे भी ऐसा नज़रिया नहीं मिला मुझे देखने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं कि यार मुझे जो सीन है ना, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है यार, तो बहुत मज़े आ रहे हैं यार देखने की जगह। तो यहाँ का जो नमक बनता है ना, मतलब वैसे मैंने अभी पूछा था कि यहाँ पर हो सकता है कि चावल वगैरह कुछ देते हैं, तो आपको एक बार दिखाता हूँ। रेड कलर का पानी है यहाँ पे, रेड कलर का पानी है। अगर इस पानी को चेक करा जाए ना मुंह में लेके, बाजारों के सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, सब है जो है। और यहाँ देखते हैं भाई, और एक जगह बहुत अच्छी, यहाँ पे एक शाकुंभरी वाला मंदिर है। यहाँ पे दूर दिखे होंगे आपको पहाड़, इस पहाड़ों पे जो मंदिर है ना, शाकुंभरी माता का मंदिर है, बाकी आप देख ही सकते हो। चार्ली जो बाकी आपने वीडियोस देख लिया होगा, लाइटिंग का थोड़ा सा और वाइट बैलेंस, मतलब यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे लाइटिंग भी ठीक है, बट यहाँ का जो वाइट बैलेंस है ना, वो थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी फोटो क्लिक करने की, लेकिन नहीं आ पा रही, क्योंकि अभी वीडियो में अंधेरा हो चुका है, क्योंकि जो अभी वीदर है वो थोड़ा सा वीक हो गया। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे फोटोशूट का जो टाइमिंग मेरे हिसाब से मॉर्निंग का बेस्ट रहेगा, क्योंकि इवनिंग में क्या होता है, जैसे कि जो प्री वेडिंग होता है ना, वो उसकी अगर आपको सनलाइट जो फोटो होती है वो शायद बेटर रहेगी क्लिक करने में। नहीं, यहाँ का अगर पानी, अच्छा 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 अच्छा, नहीं जो पानी को चेक कर रहे थे वो बिल्कुल खारा होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल। अच्छा, पी भी नहीं सकते बिल्कुल भी, ऑन हो गई, अच्छा इसकी टेस्टिंग की जाए तो बिल्कुल। तो ये इतना येलो कलर का, ये बिल्कुल गंदा है, इसका नमक बनता है क्या? ये तो थोड़ा नेचुरल पानी है। अच्छा, तो यहाँ का प्रोसेस तो काफ़ी लंबा है, बाकी मुझे आइडिया नहीं है कि जो नमक सॉल्ट वो हाउ टू मेक ग्रेटर दिस एरिया। अपोजिट क्वालिटी कभी नहीं होती। चलो एंजॉय कर रहे हैं जीजू। क्या विशेषता जीजू यहाँ की? अरे खाने में मारो गए, कितना खारा पानी होता, खतरनाक। ये तो मैंने सबसे बड़ी खारे पानी की झील सामर झील। हाँ जी, कैमरा ले लो, फोटो तो खींच लो, मना लो, खींच लो यार, नजरिया काफी अच्छा है यहाँ का, और वाह क्या क्वालिटी आ रही है यार, क्या मजा आ रहा है यार।
यहाँ का जो आप नजरिया वो 360 एंगल के अंदर देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा यार। ये पहुंच अच्छी आ रही है इधर, इस एंगल से लोग पहुंच आ रही है। सबसे चीज मुझे यहाँ पे ये लगी कि यहाँ का जो देखने का नजरिया अच्छा है। बाकी तो मेरे साथी कुछ लोग होते यार मेरे, मैंने क्या मतलब सबसे मेन चीज़ ये, मैंने इनकी फोटोज़ क्लिक करी लेकिन ये मेरी फोटोज़ क्लिक नहीं कर पा रहे क्योंकि यार इनको मतलब कैमरा ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं तो इनकी फोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ लेकिन मेरी फोटोज़ ये क्लिक नहीं कर पा रहे। सीन आपने देख लिया होगा शायद, पीछे दिख रहा भी होगा वीडियो के अंदर, काफ़ी अच्छा। और सबसे चीज़ यहाँ पे मुझे ये लगी कि यहाँ पे बिल्कुल कूल हवा चल रही, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही यार, मतलब मैं तो बोल भी नहीं पा रहा, सर्दी लगने लग गया यार।